मौत को छोड़कर शरीर की हर बीमारी का इलाज है आयुर्वेद के ये चार नियम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में राजीव भाई द्वारा बताए गए आयुर्वेद के हम ऐसे चार नियमों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज है। यदि मैं ये कहूँ कि मौत को छोड़कर आपके शरीर की हर बीमारी का इलाज इन चार नियमों के पास है तो वो दोस्तों गलत नहीं होगा, क्योंकि यदि आप इन चार नियमों को अपनाएंगे तब आपको अपने शरीर में कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। यह बात तो आप सब जानते होंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की हर बीमारी का काम वात पित्त और कफ दोष ही होता है। यदि हमारा वात पित्त और कफ इम्बैलेंस होगा तभी हमारे शरीर में कोई रोग लगेगा। यदि मैं बात करूं वात रोगों की, यदि आपका वात इम्बैलेंस है तो वात के इम्बैलेंस होने से आपके शरीर में 80 तरह के रोग लग जाते हैं। और यदि मैं बात करूं पित्त के इम्बैलेंस होने से, तो दोस्तों पित्त के इम्बैलेंस होने से आपके शरीर में 36 से 40 रोग लग जाते हैं। और यदि मैं बात करूं कफ के इम्बैलेंस होने से, तो कफ के इम्बैलेंस होने से आपके शरीर में 28 रोग लगते हैं। यानी वात पित्त और कफ के इम्बैलेंस होने से आपके शरीर में 148 रोग लग जाते हैं, और उनमें पेट के रोगों से लेकर कैंसर तक का बड़े से बड़ा रोग है जिसको हम आखिरी रोग बोलते हैं दोस्तों। यानी हमारे शरीर की हर बीमारी का कारण कहीं ना कहीं वात पित्त और कफ होता है। वात पित्त और कफ के इम्बैलेंस होने से पहले हमारे शरीर में छोटा सा रोग लगता है और फिर उसके बाद में वो ही रोग बड़ा 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 और बहुत बड़ा होता चला जाता है, और उनमें से ही जिससे कि हमारा पूरा शरीर ही बीमारियों का घर बन जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञ वाग्वट जी ने अपनी दो पुस्तक लिखी हैं, उन दो पुस्तकों में 7000 आयुर्वेद के नियम बताए हैं जिनका हम पालन करें तो हमारा वात पित्त और कफ बैलेंस में रहेगा। लेकिन राजीव भाई ने उन 7000 नियमों में से जो मुख्य चार नियम हैं उनके बारे में हमें बताया है कि यदि हम इन चार नियमों का पालन करेंगे तब हमारे शरीर में जिंदगी भर कोई भी रोग नहीं लगेगा। दोस्तों खांसी नजला जुखाम से लेकर कोई भी छोटे से छोटा रोग या कोई भी बड़े से बड़ा रोग, आपका कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, डायबिटीज की बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी, आपका दिल मजबूत रहेगा, आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी, लीवर आपका सही तरीके से काम करेगा, आपके चेहरे पर नया ग्लो आएगा, पेट आपका प्रॉपर साफ होगा, कब्ज गैस एसिडिटी की आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपका कभी ब्लड प्रेशर ना लो होगा और ना ही हाई होगा। यानी आपके शरीर के हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा इन चार नियमों का पालन करके। और दोस्तों बाबा रामदेव जी पिछले 40 से 45 सालों से इन चारों नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी आप उनके चेहरे पर नया तेज देखते हैं। आप देखिए इतनी उम्र में भी वो आपसे सबसे यंग दिखते हैं। वो चार नियम ही इसका मुख्य काम है। पिछले 5 साल से इन चारों नियमों का पालन मैं खुद भी कर रहा हूं और मैं खुद अपने शरीर में इन चार नियमों का पालन करके फर्क देख रहा हूं कि मेरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, ना डायबिटीज करो, ना ब्लड प्रेशर की बीमारी, ना किसी तरह की अन्य बीमारी, ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत, ना ही दवाइयों पर पैसे खर्च करने की जरूरत। तो दोस्तों इस चार नियमों का पालन करके आपका पैसा भी बचेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको निरोगी काया मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इन चारों में से सबसे पहला नियम। दोस्तों जो पहला नियम है वह है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, तो हम पानी कब पिएं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पानी खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। अब बहुत सारे मेरे भाइयों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई होगी क्योंकि वो
तो खाना कम खाते हैं और पानी अधिक पीते हैं, कुछ तो खाने के साथ ही पानी पीते हैं, कुछ तो पानी के बगैर खाना खा ही नहीं सकते। तो दोस्तों इसका मैं आपको कारण बता दूं। अब आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, इसका कोई साइंटिफिक आधार तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको इसका साइंटिफिक आधार बता देता हूं। वह यह है कि दोस्तों हम जब भी खाना खाते हैं तो वो खाना इकट्ठा होकर, हमने कुछ भी खाया, लस्सी पी, दूध पिया, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, मीठा खाया, कोई भी खाना खाया, वो हमारे पेट में एक जगह होती है छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं जठर, यानी कि आमाशय। उस आमाशय के अंदर जाती है और जैसे ही वो खाना हमारे आमाशय के अंदर आ जाता है तो जाते ही अग्नि जलती है और वो अग्नि जलेगी तो हमारा खाना पचेगा। जैसे आप रसोई से इसका उदाहरण ले लीजिए, जब आपने पानी में दाल डालकर रखी और उसको आग पर रखा, जितनी देर आग जलेगी उतनी देर ही आपकी दाल पकेगी, जितनी देर आपकी आग जलेगी उतनी देर ही आपकी खीर पकेगी, यदि आपने उसमें खीर बनानी रखी है। यानी जब तक वो अग्नि जलेगी तब तक ही आपका खाना पचेगा, और यदि आपने इस बीच में पानी घट घट करके पी लिया, एक गिलास, दो गिलास, आधा गिलास, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पानी और अग्नि का आपस में बैर है। जैसे ही आपने पानी पिया तो वो अग्नि बंद हो जाएगी, और जब अग्नि बंद होगी तो वो खाना जो आपने खाया था दोस्तों, मेरे भाइयों, वो पचेगा नहीं बल्कि वो सड़ेगा, क्योंकि आमाशय में दो ही काम होते हैं, या तो आपका खाना पचेगा या फिर आपका खाना सड़ेगा, और इस अवस्था में आपका खाना सड़ेगा, और जब आपका खाना सड़ेगा तो उसमें 100 प्रकार के विष पैदा होंगे और वो विष आपके पूरे शरीर को बीमारियों का घर बना देंगे, आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी इन विष के कारण, जिससे आप जिंदगी भर बीमार बने रहेंगे। अब बात आती है कि आपने पानी कब पीना है, तो दोस्तों आपने खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है। यदि आपने 9 बजे खाना खाया तो आपने 10 बजे पानी पीना है, 10 बजे खाना खाया तो 11 बजे पानी पीना है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हम चलो बाद में पानी नहीं पी सकते, हम पहले तो पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप पहले पानी बिल्कुल पी सकते हैं, पर आपने खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पीना है। यानी यदि आप 9 बजे खाना खाएंगे तो आपको 8:20 तक पानी पीना है, 8:20 के बाद नहीं। यदि आप 10 बजे खाना खाएंगे तो आप 9:20 के बाद आपने पानी पीना नहीं है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आप क्या पी सकते हैं खाना खाने के बाद, तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। दोस्तों आप लस्सी पी सकते हैं, फलों के रस पी सकते हैं, आप अनार का जूस पी सकते हैं, आप दोस्तों गन्ने का रस पी सकते हैं, सेब का रस पी सकते हैं, मौसमी का रस पी सकते हैं, यानी आप फलों का रस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत महंगे हैं, तो दोस्तों आप इसके बाद में दूध भी पी सकते हैं, यानी आप दूध, लस्सी या फलों के रस में से कोई भी पी सकते हैं। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि यदि आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में खाना खाने के बाद सबसे बेस्ट है फलों का रस, लंच में सबसे बेहतर है खाने के बाद लस्सी का सेवन, और डिनर में सबसे बेहतर है खाने के बाद दूध का सेवन। आपने इसी क्रम में इनका पालन करना चाहिए, तब आपको अधिक फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इस एक नियम का पालन करके आपके वात, पित्त और कफ तीनों ही बैलेंस में रहेंगे और आपका शरीर बीमारियों का घर बनने से बच जाएगा। अब बात आती है दूसरे नियम की, तो दोस्तों दूसरा नियम ये है कि जब भी आप पानी पियो तो पानी घूंट भर भर के पियो। यानी जैसे बहुत सारे मेरे भाई करते हैं ना, गट गट करके पूरा गिलास एक ही उसमें डकार गई, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं करना है। ये भी
हमारे शरीर की बीमारियों का कारण है। वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों अब इसके पीछे भी मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारे पेट में अमल होता है, अम्लता होती है, मुंह की लार होती है, वो क्षारीय होती है, और जब हम घूंट भर भर के पानी पिएंगे, हमने एक घूंट भर के पानी पिया तो वो हमारी जो लार है, क्षारीय है, वो हमारे पेट में जाकर अमल में मिल गई। दूसरी घूंट के साथ दूसरी लार चली गई। यानी ऐसे हम घूंट भर भर के पानी पिएंगे तो हमारी बहुत सारी लार जो क्षारीय है वो जाकर अमल में मिल जाएगी हमारे पेट में, जिससे क्या होगा कि हमें कभी भी एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, हमें कभी भी पेट की एसिडिटी नहीं होगी, हमें कभी भी रक्त की एसिडिटी नहीं होगी। और दोस्तों ये रक्त की एसिडिटी के कारण ही हमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज और दिल की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यानी हमारा अमल बिल्कुल सही रहता है जिससे कि आप बचे रहते हैं। ये पेट की अम्लता को शांत करता है जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। आपको गठिया की समस्या नहीं होती, आर्थराइटिस की समस्या नहीं होती, क्योंकि ये आपको यूरिक एसिड बनने की जो अधिक बन जाता है, जो हमारे जोड़ों में जम जाता है, आपको उसकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अब बारी आती है तीसरे नियम की। और दोस्तों तीसरा नियम ये है कि जब भी पानी पियो, चाहे कितनी भी आपको प्यास लगी हो, तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। दोस्तों ठंडी और गर्मी का आपस में बैर होता है, और जब हम ऊपर से हम ठंडा पानी पीते हैं, हमारे पेट में गर्मी होती है। जब हम ठंडा पानी पियेंगे तो हमारे पेट के अंदर लड़ाई होगी, हमारे पेट की जो गर्मी होगी वो ठंडे पानी को अपने टेम्परेचर में ढालने की कोशिश करेगी, और ठंडा पानी पेट की गर्मी को अपने टेम्परेचर में ढालने की कोशिश करेगा। और यदि उस ठंडे पानी ने हमारी पेट की गर्मी को अपने टेम्परेचर में ढाल लिया तो उससे क्या होगा, उससे हमारा सबसे पहले हृदय ठंडा होगा, उसके बाद हमारा दिमाग ठंडा होगा, और उसके बाद हमारा शरीर ठंडा होगा। और दोस्तों ठंडे शरीर को कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रखता, आप ये बात जान जाइए। दोस्तों इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर को ठंडा नहीं होने देना है। आपको कभी भी प्यास लगे, कितनी भी प्यास लगे, आपने फ्रिज का पानी या बर्फ वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ये तीसरा नियम है। यदि आपको बहुत अधिक गर्मी लगे तो दोस्तों आप क्या करें, आप घड़े का पानी पीजिए, उससे आपको जो ठंडा भी ठंडक भी मिलेगी आपके शरीर को, और उससे फायदे ही फायदे होंगे। आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहेगा, आपके शरीर के बहुत सारे रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा नियम जिसका आपको पालन करना है। और दोस्तों चौथा और आखिरी नियम यह है कि जैसे ही आपकी आंख खुले तो सबसे पहले आपको पानी पीना है। पानी पीने से पहले आपको कोई भी अन्य काम नहीं करना है, और जो आपको पानी पीना है वो भी उकड़ू बैठ कर पानी पीना है। सीधा आप खाट पर लेटे हैं या आप बेड पर बैठे हैं, उस पर बैठकर नहीं, आपको उकड़ू बैठकर पानी पीना है। हर काम से पहले, फ्रेश होने से पहले, घूमने से पहले, आपको दोस्तों सबसे पहले पानी का ही सेवन करना है। दोस्तों इसका एक फायदा तो ये होगा कि जिससे आपकी पेट साफ होगा। दोस्तों सुबह के समय हमारे शरीर में अम्ल अधिक होता है, एसिडिटी अधिक होती है, और उसको शांत करने के लिए आपको जब आप घूंट भर भर के पानी पियेंगे तो आपकी जो लार है, जो क्षारीय है, वो आपके शरीर में जाएगी, पेट में जाएगी, जिससे कि आपकी अम्लता शांत होगी और आपको एसिडिटी नहीं होगी। और दूसरा जो सबसे मुख्य फायदा है वो ये है कि सबसे पहले पानी पीने से आपकी बड़ी आंत साफ होगी, और जब आपकी बड़ी आंत साफ होगी तो आपका पेट एक ही बार में साफ हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति का पेट एक बार में साफ हो जाता है, उसको दोस्तों कभी किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि
हमारे शरीर की हर बीमारी का कारण ये एक बार में हमारा पेट साफ होना भी होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आप इन चार नियमों का पालन कीजिए और फिर देखिए कि आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। चाहे कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो भी आपके आसपास नहीं आएगी। आपका शरीर बिल्कुल निरोगी बना रहेगा, आपका शरीर हर तरह की बीमारी से बचा रहेगा। और अपने शरीर पर आपको बीमारियों को ठीक करने के लिए इन पैसों की खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने पैसे भी बचाएंगे, अपनी सेहत को भी सही रखेंगे। पर दोस्तों, इन कामों का फायदा, इन चारों नियमों का फायदा तभी मिलेगा यदि आप हर रोज योग और प्राणायाम करेंगे। यदि आप योग और प्राणायाम नहीं करेंगे तब आपको कोई फायदा नहीं होगा। इन चारों नियमों के पालन की एक कंडीशन यही है कि आपको हर रोज प्राणायाम और योग जरूर करना है और उसके बाद इन चार नियमों का पालन करना है और बस आपके शरीर की बीमारियों की छुट्टी हो जाएगी। आपका शरीर हर तरह की बीमारी से बचा रहेगा। तो दोस्तों, आप भी आज से ही आयुर्वेद के इन चार नियमों का पालन कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।